Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the circulatory system in man, in which I discussed about the blood components like blood, plasma, blood corpuscles, and blood clotting by the platelets. Today, I discuss about the functions of blood and blood vessels. So guys, लेट स्टार्ट द टॉपिक नाउ. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटे फंक्शंस ऑफ ब्लड की. किसकी बात करेंगे? फंक्शंस ऑफ ब्लड. भाई ब्लड की क्या क्या फंक्शंस होते हैं आज हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे और सीख जाएंगे. ठीक है, मैं एक एक करके बताता जाऊंगा, है ना. बट मैं मेन पॉइंट लिखूंगा, बताऊंगा मैं पूरा, आप लोग सुन के उसको पूरा कंप्लीट करके लिख लीजिएगा. जैसे फर्स्ट फंक्शंस क्या होता है ब्लड का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए कि ब्लड का भाई फंक्शंस क्या होता है. तो पहला आप लोग जानते हो, ट्रांसपोर्ट द रिस्पायरेटरी गैसेस. ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है जितनी भी रिस्पायरेटरी गैसेस होती हैं. जैसे आप अच्छी तरह जानते हो कि ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज. इट आल्सो कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स. तो ये क्या करता है बेटे? ट्रांसपोर्ट करता है रिस्पायरेटरी गैसेस को. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस. ये क्या करता है? रिस्पायरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है. कैसे आप इसके इसके बाद भी आप इसको किस तरह से अच्छे से समझ सकते हो वो ज़रा ध्यान दीजिएगा बेटे. जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज. ऑक्सीजन को जो कैरी करता है ब्लड, वो कहाँ से कैरी करता है बेटे? जितने भी आपके, है ना, कह सकते हैं ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द टिश्यूज, यानी लंग से ऑक्सीजन लेता है और टिश्यूज तक पहुँचा देता है. और साथ ही साथ जितने भी आपके टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है उनको वो वापस लंग्स तक लेके आता है, है ना. तो बोल सकते हो कि इट आल्सो कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स, ताकि वो वापस आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस निकल जाए. नेक्स्ट बेटे फंक्शंस क्या होते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट फंक्शन होता है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशंस. भाई ये न्यूट्रिशंस को भी तो ट्रांसपोर्ट करता है. तो आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना. ये न्यूट्रिशंस को भी क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट करता है. कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? कि भाई न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंटर द ब्लड कैपिलरीज. भाई जो आपकी छोटी आंत होती है वो क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है. क्या एब्जॉर्ब कर लेती है? जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, और उसे ब्लड कैपिलरीज में इंटर कर देती है. ब्लड कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी. वो सारे बॉडी के पार्ट में उसको पहुँचा देता है. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शंस क्या होता है बेटे? नेक्स्ट फंक्शंस होता है बेटे ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. ट्रांसपोर्ट ऑफ, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट. भाई जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी ये क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट करता है. किस तरह से बेटा ट्रांसपोर्ट करता है? तो आप लोग जानते हो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, ETC आर द कैरीज बाय द ब्लड टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. वो कहाँ तक पहुँच जाता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक उसको पहुँचा देता है. नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? फोर्थ फंक्शन क्या होता है बेटे? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ. रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द सेल. ये वाटर कंटेंट का को रेगुलेट करता है सेल में. तो आप बोल सकते हो, है ना, रेगुलेट, या बोल सकते हैं रेगुलेशंस, बोलो ज़्यादा अच्छा है, रेगुलेशंस ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द सेल्स, है ना. ये वाटर कंटेंट्स को क्या करता है सेल में? रेगुलेशन करता है.
ठीक है, किस तरह से करता है वो भी जरा समझ लीजिए। देखिए मैं उतनी सारी चीज़ आपको लिखा तो नहीं सकता, मैं बोल के समझा जरूर सकता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बार बार रिपीट करके उसको सुन भी लीजिए और लिखना चाहो तो लिख भी लीजिएगा। ब्लड रेगुलेट्स द वाटर कंटेंट ऑफ द सेल्स। व्हेन द वाटर कंटेंट इन द सेल इंक्रीजेस, ब्लड टेक अप द एक्सेस अमाउंट ऑफ सेलुलर वेस्ट। ब्लड प्रोवाइड्स वाटर टू सेल व्हेन दे आर नीडी। जब भी उसको जरूरत होगी वो उसको वाटर पहुंचा देगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट जो आपका सिक्स कह सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या फंक्शंस कह सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फंक्शन जो होता है वो रेगुलेशन करता है बॉडी के टेम्परेचर को। तो आप लिख सकते हो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है ना, तो ये भी याद रखिएगा किस तरह से करता है वो भी ध्यान रखिएगा। इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर है ना, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रिस्पायरेशन ऑफ अ पार्टिकुलर टिश्यूज इज इक्वलाइज्ड बाय द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एंड फाइनली सेकेंड लास्ट जो फंक्शन होता है ब्लड का वो क्या होता है, डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन से भी बचाता है, तो हम बोल सकते हैं डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन, है ना। ये इन्फेक्शन से भी आपको क्या करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जैसा आप लोग जानते हो ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ब्लड क्या करेगा बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। एंड फाइनली जो लास्ट फंक्शंस होता है वो भी समझ लीजिए, लास्ट फंक्शन क्या है बेटे, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग। ये खून को ज़्यादा बहने से रोकता भी है ना, तो आप बोल सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग। जो ज़्यादा खून बह जाता है तो प्लेटलेट्स के थ्रू उसको क्या कर लिया जाता है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात डिस्कस करी थी कि उसको क्या कर लेते हैं, उसको प्रिवेंट कर लेते हैं, रोक लेते हैं। कैसे रोकते हैं, जब क्लॉट हो जाता है ब्लड तब क्या करेगा वो रुक जाता है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड प्रिवेंट्स द एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग। जैसे ही ब्लड क्लॉट होगा तो वह एक्सेस ब्लीडिंग को रोक देता है। क्या कर देता है बेटे, रोक देता है। तो मैंने फंक्शंस ऑफ ब्लड यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा, ब्लड वेसल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग क्या डालोगे, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स की बात करी जाए तो आपको मैं बता दूँ थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, नेमली आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर इन्वॉल्व इन द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ये सारी की सारी कहाँ इन्वॉल्व होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। दे आर ऑल कनेक्टेड टू फॉर्म वन कंटिन्यूस क्लोज सिस्टम। ये सारी एक बंधे या कह सकते क्लोज सिस्टम से कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, फिर मैं वन बाय वन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज क्या होती हैं इनके बारे में मैं बताऊँगा। तो पहले इसको लिख लीजिएगा बेटे, थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड, थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, नेमली है ना, नेमली कौन कौन सी बेटा, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर इन्वॉल्व, ये कहाँ इन्वॉल्व रहती हैं, आर इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेशन, इन ब्लड सर्कुलेशन। ये ब्लड सर्कुलेशन में क्या रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं। साथ ही साथ है ना, दे आर ऑल कनेक्टेड, ये सारी की सारी एक दूसरे से क्या रहेंगी बेटे, इंटरकनेक्टेड रहेंगी, कनेक्टेड टू फॉर्म, और कनेक्ट होकर आपस में क्या बनाएंगी, टू फॉर्म वन कॉन्टीन्यूअस है ना, कॉन्टीन्यूअस क्लोज सिस्टम। और क्या बना लेंगी, कॉन्टीन्यूअस क्लोज सिस्टम डेवलप कर लेंगी,
सिस्टम, ठीक है। और अपने में क्लोज सिस्टम ही होता है बेटे, ब्लड का जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो क्लोज होता है। एंड नेक्स्ट जो है मेरा, अब मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा कि भाई आर्टरीज क्या होती है, वेन क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट मेरा पॉइंट है आर्टरीज, है ना। अब आर्टरीज क्या होती है, तो द आर्टरीज आर वाइड इलास्टिक एंड थिक वॉल्ड वेसल्स, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लिम्स एंड ऑक्सीजन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि भाई ये क्या होती है, आर्टरीज वाइड इलास्टिक एंड थिक वॉल्ड वेसल्स होती है जो कैरी करती है, है ना, आपके किसको बेटा, कैरी करती है ब्लड को कहाँ से बेटा, अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लिम्स एंड द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल टू, है ना, विदस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ अ ब्लड इमर्जिंग फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए बेटे, इंपॉर्टेंट है। द आर्टरीज आर वाइड इलास्टिक एंड थिक वॉल, कैसी होती है, वाइड इलास्टिक एंड थिक वॉल वेसल्स एज दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लिम्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक ये क्या करती है बेटे, है ना, ब्लड को सर्कुलेट कराती है। तो ये आपका आर्टरीज हो गया। आप बात करते हैं वेन्स की, तो मैं ये चेंज कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, वेन्स, है ना। आप वेन्स के बारे में जान लेती हैं, वेन्स क्या होता है, तो वेन्स ब्रिंग बैक ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज एंड ऑर्गन टू द हार्ट, ये वापस टिश्यूज और जो ऑर्गन है उससे ब्लड को वापस लाती है हार्ट तक। द ब्लड इज, है ना, द ब्लड इन द वेन फ्लो अंडर लेस प्रेशर देन दैट ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द जो ब्लड वेन में फ्लो करता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा बेटे, इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही पॉइंट आप लोग लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे वेन्स ब्रिंग बैक फ्रॉम द टिश्यूज है ना एंड ऑर्गन्स टू द हार्ट। द ब्लड इन वेन flows under less pressure, है ना flows under less pressure than that in arteries. आर्टरीज से उसका प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। Therefore, vein do not have thick wall, और उसके पास क्या नहीं होती है, thick wall नहीं होती है, ठीक है। thick माने मोटा होता है, तो आप बोल सकते हो therefore, है ना, veins do not have thick wall, thick walls लिखो, है ना, बट, है ना। तो ये याद रखना, थिक वॉल्स उसके पास नहीं होती है। तो वेन्स भी आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ वेन्स हैव
वॉल्व्स अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली. तो भाई क्या होता है, वेंस में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में रखते हैं. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हो कि वेंस हैव वॉल्व्स. वेन के पास क्या होते हैं बेटे, वॉल्व्स होते हैं दैट फॉलो सॉरी दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन ओनली. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और वेन के आपको मैंने बता दिए. ठीक है, वेन क्या होती है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया. अब बात करते हैं कैपिलरीज की, ये लास्ट पॉइंट है. कैपिलरीज है ना, कैपिलरी या कैपिलरीज भी लिख सकते हो, कैपिलरीज. ठीक है, अब कैपिलरीज की बात करते हैं तो आर्टरीज ब्रांचेस आउट इनटू द स्मॉल एंड थिनर ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड आर्टरियोल्स. उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, आर्टरियोल्स बोलते हैं. तो उसको लिखिएगा बेटा इस तरह से कि आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू स्मॉल, है ना, या स्मॉलर लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, इनटू द स्मॉलर एंड थिनर ब्लड, है ना. आर्टरीज ब्रांचेस आउट इनटू द स्मॉलर एंड थिनर ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टियर, है ना, आर्टियोल्स. उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, आर्टियोल्स बोलते हैं. दीज डिवाइडेड इनटू, है ना, आप बोल सकते हो दीज डिवाइडेड इनटू स्टिल स्मॉलर वेसल्स टू प्रोवाइड ब्लड टू ऑल द सेल्स, ताकि सारी सेल्स के पास ब्लड क्या हो सके बेटा, पहुंच सके. तो आप बोल सकते हो दीज डिवाइडेड इनटू स्टिल स्मॉलर, इनटू स्टिल स्मॉलर वेसल्स टू प्रोवाइड ब्लड टू ऑल द सेल्स, है ना, सारी सेल्स तक ये क्या करते हैं बेटे, ब्लड को पहुंचा देते हैं. द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज, जो सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैपिलरीज बोलते हैं. तो आप बोल सकते हो थिनेस्ट मतलब सबसे छोटी, मतलब सबसे कह सकते हैं पतली, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, है ना, थिन ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज. उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, कैपिलरीज बोलते हैं. तो यहाँ तक बेटे क्लियर हो गया. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज़.